फिर से बिहार यात्रा पर निकलेंगे 5 जनवरी। तो क्या कर लेंगे पाँच जनवरी को, या 5 जनवरी को यात्रा पर निकल रहे हैं तो क्या कर लेंगे, बदलाव कर देंगे? न जाने कितना यात्रा ही कर चुके, तो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? जिस स्थिति से बिहार गुजर रही है, परेशानी में, भ्रष्टाचार, शराबबंदी फेल और विकास, इनके पास खजाने में पैसा ही नहीं है विकास के लिए, चिकित्सा, हत्या, लूट, मर्डर हर दिन हमारे क्षेत्र में, कल भी 2 मर्डर हुआ है। कोई ऐसा दिन है जब मर्डर नहीं हो रहा? पटना हमारे क्षेत्र में बोल रहे हैं, पूरे बिहार की बात छोड़िए, तो क्या कर लेंगे ये? आज सुबह से ही पूरे पटना में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, इसको देखते हुए बढ़ चढ़ के जो लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं लगातार वोटिंग कर रहे हैं। देखा जाए तो तमाम प्रत्याशियों को देखते हुए लोग वोट दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव जो है पूरे पटना में आज सुबह से ही हो रहा है, करीब 7 बजे से यह वोटिंग जो है होना शुरू हो गया है। तो वहीं तमाम जो बड़े नेता हैं जो पटना से आते हैं वो लगातार वोट देने पहुंच रहे हैं। तो वहीं पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव भी जमाल रोड के संत जीसस स्कूल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने वोट दिया। उनका साफ कहना है कि पहले जो पद्धति थी उसमें काम नहीं कर पाते थे जो मेयर प्रत्याशी रहते थे, लेकिन देखा जाए तो इस बार की पद्धति जो है वो सही है। तो वहीं 2 साल के अंदर जो है काम करने का मौका मिलेगा लोगों को। वहीं सीधा सीधा रामकृपाल यादव ने यह साफ कहा है कि जो भी मेयर जीतता है उनको काम करना होगा। सबसे ज्यादा पानी और जलवायु की समस्या जो है वो होती है, उसको देखते हुए जो मेयर प्रत्याशी उनको काम करना होगा। तो वहीं सरकार को छूट देना पड़ेगा, तभी जो मेयर प्रत्याशी हैं वो पटना में काम कर पाएंगे। तो वहीं रामकृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्र सांसद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। मुख्यमंत्री फिर से बिहार यात्रा पर निकलेंगे 5 जनवरी। क्या कर लेंगे पाँच जनवरी को, या 5 जनवरी को यात्रा पर निकल रहे हैं तो क्या कर लेंगे, बदलाव कर देंगे? न जाने कितना यात्रा ही कर चुके, तो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? जिस स्थिति से बिहार गुजर रही है, परेशानी में, भ्रष्टाचार, शराबबंदी फेल और विकास, इनके पास खजाने में पैसा ही नहीं है विकास के लिए, चिकित्सा, हत्या, लूट, मर्डर हर दिन हमारे क्षेत्र में, कल भी 2 मर्डर हुआ है। कोई ऐसा दिन है जब मर्डर नहीं हो रहा? पटना हमारे क्षेत्र में बोल रहे हैं, पूरे बिहार की बात छोड़िए, तो क्या कर लेंगे ये? क्या कर लेंगे ये? शराबबंदी ये बोले हैं, अवेयरनेस फैलाएंगे, पहले भी अवेयरनेस फैलाते रहे और अरबों रुपया खर्च किया है। इनके ये जो यात्रा हो रहा है, ये यात्रा के पीछे इनका चुनाव रहता है मनसा, तो ये अपना प्रचार करेंगे, कुछ काम थोड़े ही करेंगे ये। इनसे इनके अवेयरनेस फैलाने से दहेज प्रथा बंद करेंगे, शराबबंदी बंद, शराबबंदी बंद हुआ, शराबबंदी फेल है कि नहीं फेल है, उसी काम के लिए लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे? आक्रोश झेलना पड़ा इनको यात्रा में पहले भी, फिर आक्रोश, जनता बहुत आक्रोशित है, ऊब चुकी है इस सरकार से, इसलिए मैं समझता हूँ कि इनका यात्रा फेल हो गया है, पहले भी फेल हो जाएगा। ना उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि हर बार मुख्यमंत्री आप नहीं जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, लगता होगा कि मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए वो फेस नहीं कर पा रहे होंगे प्रधानमंत्री जी को। सर, क्या तेजस्वी यादव को पावर ट्रांसफर किया जा रहा है? 2 बार से लगातार नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव जा रहे हैं मीटिंग में। अभी तो कह ही चुके हैं कि यही बनने वाले हैं, तो समय से पहले ही अपना सब काम वाम सौंप रहे हैं, बेचारे थक गए हैं ना, लंबा 18 साल हो गया भाई, उसके पहले भी केंद्र में मंत्री रहे, उसके पहले भी कई जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है, कितना काम करेगा आदमी, सबका उम्र होता है, इनका भी उम्र हो गया है, थक चुके हैं ना, अब सौंप ही चुके हैं ना भाई, ऑलमोस्ट सौंप चुके हैं सब पावर। चलिए, तो आपने सुन लिया, रामकृपाल यादव थे, पाटलिपुत्र सांसद है, जिस तरीके से आज नगर निकाय चुनाव हो रहा है इसको देखते हुए उन्होंने वोट दिया है। तो वहीं उनका साफ कहना था कि जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसको काम करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो एक मेयर प्रत्याशी का काम होता है तमाम चीजों को देखना, तमाम काम करना। वहीं पटना जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा शहर है और यहाँ पर जो है बाढ़ सुखाड़ की स्थिति लगातार आते रहती है, तो उसको देखते हुए मेयर को काम करना पड़ेगा। तो वहीं रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।